नमस्कार दोस्तों, अब की खबर राजनीति को लेकर। एमसीडी इलेक्शन, भाजपा से ज्यादा केजरीवाल पर बरसे ओवैसी, बताया छोटा रिचार्ज, मुसलमानों को बदनाम किया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासती बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। अब गुजरात के बाद एमसीडी के चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। उनकी पार्टी चुनाव AIAIM केवल 15 वार्डों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि दिल्ली में कुल 250 वार्ड हैं। ओबीसी ने चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा पर उतना हमला नहीं किया जितना आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर किया। ओबीसी ने एक जनसभा के दौरान अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज कह दिया। ओबीसी ने कहा कि कोरोना काल में अरविंद केजरीवाल मुसलमानों को बदनाम कर रहे थे। उनका कहना था कि कोरोना बढ़ने के लिए तबलीगी जमान जिम्मेदार होगा। उन्होंने केजरीवाल को झूठा बताते हुए कहा है कि अब जब जहांगीरपुरी में गड़बड़ हुई तो वहां बुलडोजर चलवा दिया गया। उन्होंने कहा, बिल्किस बानो मामले में अरविंद केजरीवाल नहीं बोलते, वह यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कुछ नहीं कहते, ऐसे मामलों में उनकी घिघी बन जाती है। लेकिन जब वे मुसलमानों को सुपर स्प्रेडर कहने लगी तो हाई कोर्ट ने उन्हें झूठा साबित कर दिया। उन्होंने कहा, मोदी जी की टोपी पहनते नहीं हैं और केजरीवाल जिनसे मिलते हैं उसे टोपी पहना देते हैं। जब कांग्रेस को जनता ने मौका दिया और वह फेल हुई तो छोटा रिचार्ज का दामन पकड़ दिया। तो ये थी खबर। ओवैसी ने भाजपा को बिल्किस बानो के मुद्दे पर घेरा। ओबीसी ने बिल्किस बानो के मुद्दे पर भाजपा को भी घेरा। उन्होंने कहा कि आखिर बिल्किस बानो के दोषियों को क्यों छोड़ा गया, जिसने बिल्किस के दोषियों को संस्कारी कहा उन्हीं को टिकट दे दिया गया। वहीं गुजरात में एक कातिल मोदी के लिए वोट मांग रहा है या आखिर किस तरह का विकास हो रहा है। कांग्रेस पर भी बरसी ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों में लेते हुए कहा कि कांग्रेस वाले मुझे वोट कटवा कहते हैं, लेकिन मैं किसी के वोट को काट नहीं बल्कि अपना हक मांगने आया हूं। आखिर कांग्रेस भाजपा को क्यों नहीं हरा पा रही है। उन्होंने कहा, गुजरात में हमारी पार्टी तो केवल 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बाकी 169 पर जीत कर कांग्रेस सरकार बना कर दिखाए, लेकिन कांग्रेस तो अपनी कमियां छिपाने के लिए इस तरह के आरोप लगाती है। तो ये थी खबर राजनीति से। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।